हेलो गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपनी क्लास पे और अभी बज रहा है 9। ठीक है, कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। देखो, अपनी जो क्लास होती है वैसे रेगुलर डेली शाम 7 बजे होती है। ठीक है, 9 बजे होने का कुछ कारण है, मैं आपको बताता हूँ क्या कारण है। देखो, आज हम लोगों ने अभी 7 बजे की क्लास में, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन देखा है। वर्ड फॉर्मेशन ये कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बस मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की क्लास है। ठीक है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। इस पे होगा क्या, मैंने पिछली क्लास में करवाया था पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो पेयर फॉर्मेशन में MATION पेयर फॉर्मेशन में मैंने आपको होमवर्क के लिए 5 क्वेश्चन दिए थे और 5 क्वेश्चन आपको करके हमें कमेंट करना था। तो मैंने आपसे कहा था कि 5 स्टूडेंट जो पहले आंसर करेंगे, ठीक है, उनके मैं नाम लूँगा। लेकिन जो अभी मुझे केवल आंसर दिख रहे हैं उनमें से केवल 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट ने हमें आंसर किया है, तो उनको देखते हैं कौन कौन है। और साथ में मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिए थे, तो 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उसके सोल्यूशन भी मैं इसी पर करवा दूँगा। क्लियर है ना? तो चले, तो ठीक है, चलते हैं। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो ये 5 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के थे। ये था पहला क्वेश्चन, ध्यान दे लो। ये था दूसरा क्वेश्चन, ये था तीसरा क्वेश्चन, ये था चौथा क्वेश्चन और ये था 5वां क्वेश्चन। बस ये 5 क्वेश्चन करके अपनी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। देखो, यदि मैं करवाना चाहता तो 7 बजे भी इसको करवा सकता था, लेकिन हमें यहाँ पर केवल 5 क्वेश्चन इसी का सोल्यूशन करवाना था, तो इसलिए अपनी क्लास 9 बजे शिफ्ट कर लिए। ठीक है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जो हमें आंसर दिया है वो है रंजना विश्वकर्मा। तो रंजना विश्वकर्मा ने हमें सबसे पहले आंसर दिया है। इन्होंने 5वें क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं सही, कुछ क्वेश्चन सही हैं कुछ नहीं भी सही हैं, तो ये अपना आंसर अभी जब मैं सोल्यूशन करवाऊँगा तो वहाँ पर ये मैच कर लेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, आगे हैं जो दूसरे नंबर पर जिन्होंने आंसर दिया है वो हैं चौरसिया आंचल। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे ये हैं चौरसिया आंचल, ने हमें कमेंट बॉक्स में सारे आंसर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, यूनिक सर क्लियर है, आगे चलते हैं। और सबसे लास्ट में हमें कमेंट किया है वो हैं सोनम रावत। ठीक है, तो सोनम रावत जी ने हमें लास्ट में सबसे लास्ट में कमेंट किया है और अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो और अब हम लोग चलते हैं फिर अपनी क्लास में। क्लियर है ना? हाँ, तो इन्होंने कमेंट किया था एटमॉस्फेयर, टर्मिनल, ट्रबल, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये, 5 वर्ड है। ठीक है, चल चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन, देखते हैं इसका। इसमें CATEGORISATION शब्द में ऐसे कितने अक्षर जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णाक्षर में होते हैं। ठीक है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है सारे अक्षरों को। अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ, एक बार मैं मिला लेता हूँ ना। तो C है, A है, T है, E है, GORISATION। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, ये ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं। तो C का कोड 3 होता है, A का 1 होता है, T का 20, E का 5, G का 7, ओ का मैं चलो सबसे पहले आंसर बता देता हूँ। इस पर आ रहा है नन ऑफ दिस। ठीक है, और नन ऑफ दिस सभी ने आंसर बताया था, लेकिन जो युग्म बता रहे थे वो वहाँ पर युग्म इनके गलत थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन्होंने बताया था रंजना विश्वकर्मा ने कि इस पे आ रहा है 7 पेयर, और इन्होंने तो केवल ऑप्शन बताया था कि ऑप्शन नंबर 5, और इन्होंने बताया भी ऑप्शन नंबर 5। ठीक है ना? चलो, अच्छा, इसका मतलब किसी ने पेयर नहीं बताया। चलो ठीक है, यहाँ 7 हो गया। ओ का होता है 15, आर का होता है 18, आई का होता है 9, यहाँ पर क्या है, आई के बाद है एस, एस का होता है सर 19, ए का होता है 1, टी का 20, यहाँ आई का 9, ओ का सर होता है 15, एन का होता है 14। क्लियर है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ 3 से। 3 के आगे की आपको गिनतियाँ पढ़नी चालू कर देनी है। ठीक है, जहाँ पर कोई भी गिनती मैच कर जाएगी
वो अपना युग्म बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग 3 से चलेंगे तो हम लोग 3 से आगे गिनतियाँ पढ़ते चले जाएंगे। यदि मैं ए से पढ़ना चालू करूँ तो ए के मतलब 1 के आगे की सारी गिनतियाँ पढ़ेंगे। यदि मैं टी जो 20 लिखा है 20 के आगे चलूँ तो 21 से सारी गिनतियाँ हम लोग पढ़ना चालू कर देंगे। कैसे, जैसे सी का कोड 3 होता है ना, तो यहाँ पर 3 हो गया, देखो यहाँ हो गया 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। तो देखो 3 से 7 तक में एक अपना युग्म मिल गया, जहाँ पर अपना 7 आ रहा था वहीं पर 7 आ रहा है। देखो कैसे, यहाँ 3 है, 4, 5, 6, 7, तो अपना एक पेयर ये बन जाएगा। 7 के आगे चलेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो सी से एक पेयर ये बनेगा, 15 मतलब होगा। ठीक है, अब आगे तो कोई बनेगा नहीं, 16 आएगा। चलो ए से चालू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई भी पेयर नहीं मिला हमें। 20 से चलते हैं, देखो अब देखो 20 से बड़ा तो कोई इधर नहीं लिखा है ना, तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 से चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि 20 के बाद आएगा 21, 22, 23, आगे कोई बड़ा है ही नहीं ना 20 से। ठीक है, फिर इसको चेक करते हैं ई से, ई है 5, 6, 7, 8, ठीक है 9। एक काम करते हैं, आपको ये पेंसिल नहीं दिख रही है क्या, पेंसिल है ही नहीं क्या आज, चलो लेते हैं। अब आ गया ना, ई है 5, 6, 7, 8, 9, देखो ई से इधर की ओर मिल गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ नहीं मिल रहा है। जी से चेक करेंगे, G H I J K L 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बन रहा है क्या 7 से, हाँ फिर बन रहा है। तो यहाँ सर ये बन गया सर, इस पर देख लो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बन रहा है। आगे चलते हैं 15 से, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये ओ से बन गया टी तक। ठीक है, 20 के आगे कोई बड़ा नहीं है, छोड़ देंगे। 18 से चालू करते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है नहीं बनेगा इसका भी। 9 से चेक करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसका भी नहीं है। 19, 20, 21 से बड़ा कोई है नहीं तो होगा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, तो जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ पेयर फॉर्मेशन की क्लास ज़रूर अटेंड करें, जिससे उसको पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस साइड से कितने जोड़े बन गए, तो सर 1, 2, 3, 4, 5, एक साइड से तो हमारे बन गए 5। अब हम लोग चेक करेंगे दूसरी साइड से, ठीक है क्या चेक करेंगे, दूसरी साइड से हम लोग चेक करेंगे, चेक करते हैं फिर। अब इधर चेक करेंगे, यहाँ है देखो 14, 15, देखो 14 से एक 15 का ये बन जाएगा, क्लियर है ना, इसको भी रेज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 14 से 15 बन जाएगा, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, ये देखो 14 से एक ये बन गया 19 का, क्लियर है ना। फिर 19 के बाद 20, 21, 22, अब कोई बड़ा नहीं है छोड़ दो। 15 के बाद आते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, देखो ये 15 से अपना ये 19 का बन रहा है। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, आगे 20, 21, 22, अब कोई बड़ा नहीं छोड़ दो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 9 से बन जाएगा आगे का 15 तक। 16, 17, 18, कोई नहीं छोड़ दो। यहाँ देखो 20, 21, 22, 23, 24, कोई बड़ा नहीं यहाँ भी छोड़ दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं बन रहा है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, छोड़ दो नहीं बनेगा। 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 15, 16, 17, 18, अब देखो कोई से भी नहीं बन रहा है। ठीक है ना, चेक कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर इधर से कितने बन गए, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5, 4, 9, तो टोटल कितने युग्म बनेंगे, 9 युग्म। ठीक है, क्या बनेगा, 9 युग्म बनेंगे। तो इसका हम लोग का आंसर आएगा नन ऑफ दिस, क्लियर है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, इस पर थोड़ा टाइम लग गया है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का देखते हैं, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 पेयर का। ठीक है, तो चेक करते हैं, ए का होता है M, T का होता है 20, ये 13, ये 15, ये 19, ये 16, 8, 5, 18, 5, ठीक है। चलो यहाँ है, यहाँ चालू करते हैं ना ए से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं बना। 20, 21, 22, 23, बड़ा नहीं है छोड़ देंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस पर नहीं बन रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, नहीं बन रहा है। देखो 19,
20, 21, 22 इस पे भी नहीं बनेगा, 16, 17, 18 इस पे भी नहीं बन रहे। अब यहाँ से 8 नेक्स्ट क्या होगा, 8, 9, 10, 11 इस पे भी नहीं है, 5, 6, 7 इस पे भी नहीं है, 18, 19 इस पे भी नहीं बन रहे। ठीक है, तो इस साइड से तो अपने एक भी नहीं बने, क्या है इस साइड से तो अपने एक भी नहीं बने, क्या इससे बन जाएगा 13, 16 का, 13, 14, 15, 16 हाँ ये एक बन रहा है, ध्यान दो ये क्या हो रहा है, एक बन रहा है। ठीक है, तो इधर से अपना एक बन जाएगा, और इधर से चेक करते हैं, इधर से विपरीत से, तो इधर से चेक करो 5, 6, 7, 8 देखो ये 5 से 8 का बन गया है, क्या 5, 6, 7, 8 बन गया एक, 8 क्या आगे चलते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा। अब देखो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये भी नहीं बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भी नहीं बनेगा, 8 मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है ना। फिर देखो इधर 16, 17, 18, 19, 20 देखो पी से ये टी का बन रहा है एक। ठीक है, आगे चलते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 15, 16, 17, 18 अब देखो नहीं बन रहा है ना किसी का, तो यहाँ 1, 2, 3 कितने युग्म बनेंगे, तो 3 युग्म अपने बनेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं इसका बताओ, DISDISTINGUISH जल्दी से इसका करके बताओ, डी का होता है सर 4, आई का होता है 9, एस का होता है 19, टी का होता है 20, आई का होता है 9, एन का 14, जी का 7, यू का 21, आई का 9, एस 19, एच 8 क्लियर है। चलो अब गिनतियां पढ़ना चालू, 4 से चले, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना छोड़ दो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस पर नहीं बन रहा ना, 19 के बाद ये 20 एक बन जाएगा ध्यान दो, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा ना, फिर आगे चलते हैं 20 चेक करते हैं, 20, 21, 22, 23, 24 बनेगा नहीं, इस पर देखते हैं 9 से, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा है, यहाँ से देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस पर भी नहीं बन रहा है, 7 से चेक करते हैं, 7, 8, 9 बन गया, क्या बन गया 7, 8, 9 10, 11 नहीं बनेगा ना, 19, 20, 21 इस पर भी नहीं बन रहे, 9 के बाद ये भी नहीं बनेगा। चलो एक साइड से तो दो बन गए, अब दूसरी साइड से आते हैं, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 फिर चलते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना, 19, 20, 21 तो ये अपना एक बन गया। ठीक है, बन गया ना, 21 के आगे कुछ बड़ा है क्या, नहीं है सर कुछ भी बड़ा नहीं लिखा हुआ है। आगे चलते हैं फिर 9 से, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये भी नहीं बन रहा है एक भी, 21 से बड़ा कोई लिखा है क्या, सर कुछ भी लिखा मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इससे चलते हैं 7 से, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, देखो 7 से ये 9 अपना बन गया, देखो ना 7 से क्या बन गया 9 बन गया, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस पर भी नहीं बन रहा है, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 नहीं बनेगा ना, कितने युग्म बने, तो 1, 2, 3, 4 ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 से अधिक। क्लियर है ना, चलो इसका बताओ टर्मिनल का, टी ई आर एम आई एन ए एल नंबरिंग में कर दूँ तो 20, 5, 18, 13, 9, 14, 1, 12 तो 20 से चलते हैं, तो 20 से बड़ा कोई है नहीं तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 से चेक करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस पर भी नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा है, 9, 10, 11, 12 देखो बन गया ना, 9, 10, 11, 12, 14 से बनेगा नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग रिवर्स पे, 14, 12, 13, 14 ये एक बन जाएगा इससे, 14 के बाद आएगा 15, 16, 17, 18, 19 अब नहीं बनेगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस पर भी नहीं है,
14, 15, 16, 17, 18, 19 इस पे भी नहीं है। आगे करो 9, 10, 11, 12, 13 इस पे भी नहीं है। इस पे क्या आएगा 13, 14। अब देखो कोई सा भी इस पे नहीं बन रहा है, तो इस पे टोटल कितने पेयर आएंगे, दो पेयर। लेकिन आप लोग एक और देखो, एक और कहीं पे बन रहा है, कहाँ पे बनेगा एक मिनट देख लो कहाँ पर बनेगा। हमने कहाँ तक चेक किया है बताओ। अच्छा 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है ना, आगे चलते हैं 13, 14, 15, 16 अभी भी नहीं बन रहा है, 18, 19, 20 तो ये देखो एक और बन रहा है अपना, है ना। तो जो टर्मिनल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 पेयर, 1, 2 और 3। तो तीन पेयर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर ना, आगे चलते हैं। अगला क्या ट्रबल है ना, ट्रबल, ट्रबल का बनाओ, टी आर ओ यू बी एल ई। टी का होता है सर 20, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, यू का होता है 20, कितना होता है 21, बी का होता है 2, एल का होता है 12, ई का होता है 5। ठीक है, चेक करते हैं 20, 21, 22, 23, 24, कुछ बड़ा नहीं है छोड़ो, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहे, 15, 16, 17, 18, 19 इस पे भी नहीं बन रहा है, 21, 22, 23 इस पे भी नहीं बन रहा है, 2, 3, 4 इस पे भी नहीं बन रहा है। तो बनेगा क्या आप लोग ये बताओ, जल्दी से बताओ। एक साइड से तो अपना कुछ भी नहीं बन रहा ना, एक साइड से तो अपना कुछ भी नहीं बन रहा है, इस साइड से तो अपना कुछ भी नहीं बन रहा है। इस साइड से चेक करें क्या, देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना, 12, 13, 14, 15 ये देखो एक बन रहा है, 17, 18 छोड़ दो, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा है। हाँ केयरफुली चेक करना, ठीक है, 21, 22, 23, 24 इस पे भी नहीं है, 15, 16, 17 नहीं है, 18, 19 नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितना युग्म आएगा, केवल एक युग्म आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने पांचों के आंसर आपको दे दिए हैं, अपना आप लोग मैच कीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ शेयर वेयर कर देना, ठीक है, आपसे शेयर का ही तो बोलते हैं, शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो फिर जय हिंद, मिलते हैं कल शाम 7 बजे अपने टाइम पर।